राम राम दोस्तों, आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज है पूरे राजस्थानी सोशल मीडिया कम्युनिटी से, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगर मनीषा सैनी के बारे में। तो जब से इनका सॉन्ग वायरल हुआ है तब से हर कोई इनकी वॉइस की काफी तारीफ कर रहा है। तो किसी ने इंस्टाग्राम पर उनकी एक रील शेयर की थी जिसमें लिखा हुआ था शेर को सवा शेर जरूर मिलता है और यह सवा शेर सीमा मिश्रा को मिला है। तो इस रील पर लोगों ने कमेंट में क्या कहा वो अभी आप स्क्रीन पर कुछ कमेंट के स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। बेसिकली लोग कमेंट्स में यही बोल रहे थे कि सीमा मिश्रा की बराबरी कोई नहीं कर सकता, बाकी मनीषा सैनी की भी वॉइस काफी अच्छी है और उन्हें सीमा मिश्रा की बराबरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाल ही में सिंगर मनीषा सैनी का एक इंटरव्यू आया है जहाँ पर उन्होंने इस बारे में बात करते हुए क्या कहा, देखिए आप। वीडियोस देखे थे बहुत सारे, तो उनमें कुछ बोला गया था, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी उन्हीं सभी को कि सीमा मिश्रा जी राजस्थानी जो लोकगीत हैं, गाने हैं, उनको जन्म देने वाली हैं, ठीक है। तो वो ही एक पहली जो औरत है, लड़की है, ठीक है, वो पहली एक ऐसी शख्स है कि जिन्होंने राजस्थानी गानों को एक नया रूप दिया, कि उनकी वजह से आज शायद लोग राजस्थानी गानों को सुन रहे हैं, उनके रीमेक निकाल रहे हैं। तो जिनको पता होगा, जिन्होंने देखा होगा वो वीडियो उनका, तो उनको तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा होगा शायद उनको नहीं पता है। बट सीमा मिश्रा जी को मैं बहुत मतलब उनको मानती हूँ, उनको बचपन से उनके गाने मैंने गाए हैं, क्योंकि स्कूल में क्या होता था कि फिल्मी गानों पर ना तो हम डांस कर सकते थे ना हम गाने गा सकते थे, तो हम राजस्थानी गानों पर डांस करते थे, राजस्थानी गानों को गाते थे। तो पिया आओ तो मुझे उनका बहुत प्यारा लगता था, पहले शुरू में मैंने वही गाना उनका सुना था, उसके बाद में बहुत सारे उनके गाने सुने, और अभी शायद मुझे उनके सारे गाने ऐसे है कि मुझ जबानी याद है पूरे गाने, तो उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। देखो बाकी अगर आप पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे लाला राजस्थानी के बारे में। तो इन्होंने हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए इन दिनों एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, मैं साइकिल है और इस साइकिल के ऊपर पूरे राजस्थान में साइकिल यात्रा कर, राजस्थान का युवा है और राजस्थान का जितना भी जनगण है पर मैं जोड़ने को प्रयास करूं कि ज्यादा से ज्यादा एक आंदोलन करा, एक क्रांति आप 1857 की करी, देश आजाद 1947 में जो भी ट्राई थी जो क्रांति है, पर अगर आप पूरा राजस्थानी लोग आप करा तो राजस्थान की जो भाषा है बिना संवैधानिक दर्जो मिल सके। तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ये अपनी यात्रा के वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। तो इनके चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो इनके चैनल पर जाकर इन्हें सपोर्ट जरूर करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और राजस्थानी कलाकारों से जुड़ी न्यूज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।